राजधानी जयपुर के सिटी पैलेस के प्रीतम चौक में द पैलेस स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 2019 के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जस्टिस के एस अहुवालिया रहे और इस अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंचाइज इन राजस्थान के प्रतिनिधि रोमन कैमिस भी मौजूद रहे। इस मौके पर जस्टिस अहुवालिया ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को विश्व के समस्त देशों की जानकारी उपलब्ध होती है और इस कॉन्फ्रेंस में जयपुर और बाहर के 300 से अधिक स्टूडेंट्स डेलीगेट शामिल हुए। इससे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, संसार में कितने देश हैं, वो कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में बड़ी विस्तृत नॉलेज मिलती है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको कोई ख्याल मिले, आप उस ख्याल को आगे बढ़ा सकें और अपने ख्याल को दूसरों को मनवा सकें। उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, प्रेम से सब आप दुनिया को एक अच्छा बेहतर जगह रहने की बना सकें, इसके लिए एक प्रयास है और इसकी सराहना है। बच्चे देश का भविष्य हैं, आने वाला समय वो लिखने जा रहे हैं, उन्होंने इस देश का फ्यूचर है, वो कर्णधार हैं, उनके आगे सारी दुनिया है, उन्होंने सारी दुनिया को जीतना है, इसके लिए अच्छा लगता है। द पैलेस MUN ये एक दो दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि हमारे पास पूरे जयपुर से और जयपुर के बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हैं और वो इसके अंदर भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी स्टूडेंट्स भाग लेते हैं उन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और वो यहाँ पर ये एक यूनाइटेड नेशंस का एक सिमुलेटेड मॉडल है जहाँ पे ये लोग इंटरनेशनल मुद्दों की बातें करेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और कोई ना कोई जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर उसके ये लोग रेजोल्यूशंस निकालेंगे। सारे स्टूडेंट्स ही हैं जितने भी हैं, हाँ कम से कम 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्कूल से आए हैं और वो स्टूडेंट्स ही हमारे जो जितने भी कमेटी सेशंस हैं उसके अंदर अपने डिस्कशंस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो कि या तो कोई फेमस पर्सनालिटी बन के डिस्कस करेंगे या फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए